ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अगले साल से धान का समर्थन मूल्य 2800 रूपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का हुआ समापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठित होकर कार्य करें। और नारायणपुर जिले में आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीएएफ के प्रधान आरक्षक शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। ई संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कई देश इसे अपना रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्यौहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवा 20 सम्मेलन में भारत न सिर्फ अपनी बात रखने बल्कि दुनिया भर के युवाओं का पक्ष सुनने को भी तैयार है। श्री ठाकुर ने कल रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति ही देश का वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। इस युवा 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपनी धरोहर, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से ऐसी शक्तियों से सतर्क रहने की अपील की जो देश को खंडित करने की मंशा रखते हैं। अपने विरासत पर हमें गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, अपनी कला, संस्कृति, साहित्य पर गर्व करना है। ये जो पश्चिमी देशों की मानसिकता हमारे देश के ऊपर पिछले 70 वर्षों में थोपी गई और हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूलते चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं सोच को बदलने का काम पिछले 8 वर्षों में हुआ। दुनिया भर की ताकतें आज तोड़ने में लगी हैं। कोई वहां से प्रहार करता है, कोई अपने चैनल का उपयोग करता है, कोई बिलियनियर का उपयोग करता है, कोई किसी रिपोर्ट का उपयोग करता है, कोई कितने भी उपयोग या प्रयोग कर ले, ये भारत की एकता एकजुटता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। मेरे भाई और बहन, ना तोड़ पाया ना तोड़ पाएगा, लेकिन आज के युवा को सजग रहना। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने युवाओं से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हर संभव योगदान की अपील की। इस बीच रायपुर में आयोजित की जा रही Y20 सम्मेलन का आज समापन हो गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक शांति और सुलह विषय पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज सुबह हुए समापन समारोह को रायपुर सांसद सुनील सोनी ने संबोधित किया। इस मौके पर श्री सोनी ने कहा कि देश के संसाधनों की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी यहां के युवाओं की भी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। बाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कंकानी ने बताया कि इस सम्मेलन में युवाओं के साथ जनप्रतिनिधि, सिविल सेवा के अधिकारी और सेना तथा पुलिस के अधिकारी ने भी भाग लिया। सम्मेलन में 26 अन्य देशों के भी प्रतिनिधि आए थे। छत्तीसगढ़ से भी करीब 280 युवा इस सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश के लगभग हर जिले से युवाओं इसमें भागीदारी रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए सीधे जमा हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह योजना वर्ष 2019 में आरंभ की थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्त में अदा की जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अगले साल से धान का समर्थन मूल्य 2800 रूपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। रायपुर के जोरा में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के मजदूर, नौजवान और किसानों सहित सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। इस जनसभा को कांग्रेस के अन्य वरिष्ठजनों ने भी संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठित होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहिए। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना होगा। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरत बताई और पूंजीवादी शक्तियों से देश को बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन अच्छे तरीके से होने के लिए भी सभी के प्रति आभार जताया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में रखे गए 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और वर्ष 2024 में पार्टी के संविधान में जो संशोधन हुए हैं उसी के मुताबिक कार्य किए जाएंगे। श्री खड़गे ने बताया कि पार्टी के संविधान में हुए संशोधन के अनुसार अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 25 की बजाय 35 सदस्य होंगे। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए किसी तपस्वी की तरह कार्य करें। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सफलता मिलेगी और सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। नारायणपुर जिले में आज सुबह IED विस्फोट की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के प्रधान आरक्षक संजय लाकड़ा शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिलने के बाद ओरछा थाना क्षेत्र के से DRG और CAF की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान बटुम पारा के टेकरी गांव में IED ब्लास्ट होने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए ओरछा अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद जवान जशपुर जिले का रहने वाला था। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र स्थित उसेली बाजार में माओवादियों के हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़े तेवरा गांव का रहने वाला यह जवान करीब एक हफ्ते पहले ही छुट्टी पर घर आया हुआ था। कल जब यह जवान उसेली के मुर्गा बाजार गया था तभी माओवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। DSP डॉ अनुराग झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जवान पर 3 माओवादियों ने हमला किया था। इस बीच पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में कल हुए माओवादी हमले के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें घटनास्थल से बरामद सामग्रियां दिखाई गई। श्री जुनेजा ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर एक बैठक ली। उन्होंने क्षेत्र में तैनात पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया तथा जवानों के साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। इस इलाके में बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हमले में शामिल माओवादियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। श्री
जुनेजा ने हमले में शहीद जवानों के परिजनों से भी भेंट की। जैसे ये खबर दी जा चुकी है, सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में कल सुबह माओवादियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कल से 4 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में कल से राज्य स्तरीय महिला मड़ई लगाई जाएगी। मड़ई में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की जाएगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में केतकी पारा पुल के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर कल रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में संघ के पदाधिकारियों ने कल मुंगेली जिले में किसानों से संपर्क किया। बिलासपुर में एक विदेशी ऐप में रकम लगाकर उसे दोगुना करने के झांसा देने के लिए आयोजित प्रचार प्रसार कार्यक्रम पर पुलिस ने रोक लगा दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जगदलपुर में 3 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और जांजगीर चांपा जिले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 24 लाख रूपये से अधिक की चोरी का सामान, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अगले साल से धान का समर्थन मूल्य 2800 रूपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का हुआ समापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर संगठित होकर कार्य करें। और नारायणपुर जिले में आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीएएफ के प्रधान आरक्षक शहीद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।